लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजभवन और प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन को गृह मंत्री अमित शाह के नाम से फर्जी फोन करने वाला डेंटिस्ट डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला ने फर्जीवाड़ा किया है। इसी को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने बताया कि यह फर्जीवाड़ा पहली बार नहीं हुआ है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय अजय चोरडिया का आरोप है कि व्यापम घोटाले के आरोपों से निकटता रखने वाला चंद्रेश शुक्ला प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन में बीते वर्षों में कई घोटाले को अंजाम दे चुका है। 9 दिसंबर को ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति पद के उम्मीदवार बने चंद्र शुक्ला के फर्जीवाड़े की शिकायत महामहिम राज्यपाल को भी कर दी गई थी। उसी शिकायत का नतीजा रहा कि पहले तो कुलपति चयन प्रक्रिया में राजभवन के नए नियम शामिल किए गए। फर्जी फोन कॉल के मामले में पकड़ाया चंद्रेश के घोटाले में विक्रम वीवी के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएस पांडे भी शामिल है। खास बात यह है कि डॉक्टर पांडे अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के कुलपति चयन समिति में सदस्य हैं। ताजा मामले में भी इसका नाम कुलपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ही राजभवन के सामने रखा। दिसंबर में शिकायत से जब चंद्रशेखर को अपना खेल बिगड़ता लगा तो उसने फर्जी फोन का कॉल और गृह मंत्री शाह के नाम तक का सहारा ले लिया। राजभवन ने चंद्रशेखर को तो पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दोषपूर्ण तरीके से बनी चयन समिति और फर्जीवाड़े में चंद्रेश के सहभागी डॉक्टर पांडे अभी भी कमेटी में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बताऊं कि कई सारे लोगों को बहुत आश्चर्य है। आज सवेरे से कल से जब चल रहा है कि देश के माननीय गृह मंत्री के नाम से एक फर्जी कॉल मध्य प्रदेश के महामहिम कुलाधिपति और गवर्नर को किया गया, व्यक्ति पकड़ा गया। मेरा बताने का पर्पस ये था कि इस व्यक्ति के बारे में मैं राजभवन को पहले ही बता चुका हूँ। दिनांक 9 दिसंबर को वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी की बैठक राजभवन में होने वाली थी। उसके पहले मैंने पीएस राजभवन को, राजभवन के अन्य अधिकारियों को, मध्य प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को, और जो कि कमेटी के मेम्बर थे, और माननीय महामहिम द्वारा उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर जिन्हें कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तीनों को ये बात बताई कि जिस व्यक्ति का नाम आया है उस व्यक्ति के साथ इस तरह की बातें हैं, और यह इस तरह के व्यक्ति का चयन कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि वह एक माफिया है, शिक्षा का माफिया है, चिकित्सा शिक्षा का माफिया है। व्यापम के सभी बड़े बड़े आरोपियों का निकटतम सहयोगी है। आज भी अगर आप टेलीफोन की कॉल डिटेल देखेंगे तो व्यापम के कई बड़े बड़े घोटाले में लिप्त व्यक्ति से उनके रूटीन संपर्क, रोज की बातचीत और व्यवहार है। इन सब बातों को देखकर और इसी चंद्रेश शुक्ला द्वारा इसी नामिनी रहते रहते, जो भारत सरकार का नियम था कि जो भी मेडिकल के एडमिशन होंगे नीट के द्वारा होंगे, उसमें एनआरआई कोटे की 15% सीटें नीट के द्वारा भरी जानी चाहिए थी। इन्होंने नीट के द्वारा सीटें भरने के मामले को रोककर पहले एडमिशन कैंसिल किए, फिर उज्जैन के वाइस चांसलर एसएस पांडे जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसके ये सदस्य रहे। दोनों ने उज्जैन में सारे कॉलेज के लोगों को इकट्ठा किया, वहीं मीटिंग की, वहीं सेटिंग की, और उस मामले की रिपोर्ट पेश कर उन सब एडमिशन को रेगुलाइज कर दिया। बड़ी शर्म का विषय है कि एक बार आप किसी का एडमिशन कैंसिल करते हो, कोर्ट करे अलग बात है, दूसरे दिन आप उसको वापस कर देते हैं। इनके साथी जो इन गतिविधियों में लिप्त रहे, इन्हें वाइस चांसलर बनाने के लिए सिलेक्शन कमेटी में जिनका चयन किया गया, पिछली बार भी वो जबलपुर में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य रहे। यहाँ पिछली बार तो वाइस चांसलर थे, इस बार तो वाइस चांसलर के पद से जिसे हटाया गया, जिसके कार्यकाल में धारा 52 मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगाई गई, गवर्नर के हस्ताक्षर से मध्य प्रदेश में धारा 52 लगी है, मध्य प्रदेश के महामहिम कुलाधिपति द्वारा 15-4 का नोटिस दिया गया, 14-3 का नोटिस दिया गया, 14-4 के नोटिस की तैयारी दी गई कि आप तत्काल इस्तीफा दें अन्यथा आपको बर्खास्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को किस तरह से राजभवन ने कमिटी में रखा, यह एक विचारणीय विषय है। क्या राजभवन में इतना बड़ा लबाजमा होने के बाद कोई देखने को तैयार नहीं किस व्यक्ति को आप नामित कर रहे हैं? उसके बाद जब मैंने कमेटी को
चंद्रेश शुक्ला के बारे में सारी चीज़ें बताई। सारी चीज़ें बताने के बाद जब राजभवन के नॉलेज में आई, तब मैंने अपने विधि सलाहकार द्वारा मनोहर दलाल जी के द्वारा एक नोटिस भी भेजा कि जिस प्रक्रिया के तहत एसएस पांडे को कमेटी का मेंबर बनाया, प्रक्रिया गलत है, मीटिंग में कोरम नहीं था। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत 7 सदस्य का कमेटी में रहना जरूरी है, वहाँ कमेटी में कुल मिलकर 5-4 व्यक्ति थे। ये सारी बड़ी दुखद स्थितियाँ थी। उज्जैन में आरडी कॉलेज के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पर है कि मेडिकल के सेक्शन 28 के शिक्षकों की चयन समिति में डेंटिस्ट को रखा गया और उसने एक दिन में 209 लोगों का इंटरव्यू लेकर 121 व्यक्तियों का चयन कर दिया। कैसे संभव है? देखिए, आपको भी हंसी आ रही है मेरी बात सुनकर कि एक व्यक्ति एक दिन में 221 व्यक्तियों का किस तरह चयन कर सकता है। इन सब, और ये तो माफिया है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी से अपनी निकटता दिखाना, किसी के साथ अपने फ़ोटो शेयर करना, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने खुद के ऑफिस में तोड़फोड़ लड़ ली और बड़ा एक जारी कर दिया बयान कि मैं संघ से जुड़ा हूँ इसलिए लोगों ने मेरे कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। तो ये किस तरह से ये होना है? और अभी आप देखिए, ये वही चंद्रेश शुक्ला है। कुछ दिन पहले आपने भी शायद मीडिया पर दिखाया होगा कि इंदौर में डेंटल काउंसिल के मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को जाना था, इंदौर के एक डॉक्टर देशराज जैन थे, एक ये थे, दोनों के बीच में फाइट चली। इन्होंने जो चुनाव अधिकारी थे यहाँ के रजिस्ट्रार, उनसे प्रेशर करके चुनाव डिक्लेयर करवाया। जब बाद में हाईकोर्ट ने कागज़ जब्त किया तो पता लगे कि उसमें तो कागज ये भी पूरे नहीं हुए, जिनका चुनाव में वोटिंग हो गया उनकी अथॉरिटी नहीं है, उनका फॉर्म भरा हुआ नहीं है, उनके सिग्नेचर वेरीफाई नहीं है। और आज वो मामला पुलिस में चल रहा है। कई बच्चे जिन लोगों को इन्होंने काम पे लगाया था वो बेचारे आज पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। कई कर्मचारी और अधिकारी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये बड़ी शर्मनाक विषय है। और मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम मुझे ज़्यादा आप लोगों के बीच में इस बात को प्रूव नहीं करना पड़ा कि चंद्रेश शुक्ला क्या है। आज उसने देश के एक विंग कमांडर से, देश का गृहमंत्री बनकर, प्रदेश के गवर्नर को फ़ोन करवा कर प्रूव कर दिया कि वो अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए कोई भी पंख यूज़ कर सकता है। पर यह तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत शांत है और किस्मत वाली है कि उनका प्लेन उड़ने से पहले ही उसके पंख टूट गए और वह व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।